बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी के बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी के 12 मंत्रियों को एमपी चुनाव की जिम्मेदारी मिली। यूपी के बीजेपी सांसदों और दिग्गजों को भी जिम्मेदारी दी गई है। कल भोपाल में हुई थी बाहरी नेताओं की ट्रेनिंग और इस बीच यूपी के जो मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। जिलावार तरीके से जिम्मेदारी को संभाला जाएगा, जमीनी स्तर पर फीडबैक लिया जाएगा। तमाम नेताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और चुनाव को देखते हुए ये नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल बेहवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिखिल, एमपी फतेह के लिए यूपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर स्पेशल स्ट्रेटजी है और जिस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि 2023 की चुनावी महासंग्राम में कमल खिलाना है और इसी को लेते हुए एक प्लान तैयार किया गया। पहले तो हम देखते हैं कि प्रवासी प्लान तैयार किया गया था जिसमें चार स्टेट के जो विधायक हैं उन्हें 230 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब यूपी के वो 12 नाम सामने आए हैं जिनमें साफ तौर पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब जो हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जो शहर हैं उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। और इतना ही नहीं, अगर देखते हैं तो जो ग्वालियर की बातचीत करें, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सतना, ऐसे तमाम जो बड़े शहर आते हैं उन्हें जिम्मेदारी तय की गई है। ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है बल्कि ये संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट को भी देखेंगे और इस बात को भी लेकर इनका खास फोकस होगा कि जो आसपास के जिले हुए, क्योंकि महानगरों से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बाकी सीटों पर। अगर मध्य प्रदेश की संरचना देखी जाए तो जो महानगर मध्य प्रदेश के हैं, या हम ग्वालियर की बात करें, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और इनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, लगभग लोगों सीधे तौर पर 30 से 35 विधानसभाओं पर सीधा असर डालते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं फोकस के लिए रखा गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब प्रवासी जो विधायकों की अगर हम बातचीत करते हैं, जिसमें हम गुजरात की बातचीत करें, महाराष्ट्र की बातचीत करें, तो आखिर यूपी के ही क्यों इन 12 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई जिनमें से एक विधायक है और दो सांसद भी इनकी लिस्ट में शामिल हैं। तो ये बात निकल कर सामने आती है कि जिस प्रकार से चुनावी मैनेजमेंट रहा है और साथ ही साथ जो 12 नाम तय किए गए हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जातिगत संरचना के आधार पर, उन क्षेत्रों के आधार पर तय किए गए हैं, तो इनको लेकर नाम फाइनल हो गए हैं और तमाम प्रकार की कवायद जो है वो तैयार कर ली गई है। हालांकि ये जो पूरा फार्मूला है ये प्रदेश संगठन का नहीं बल्कि केंद्रीय संगठन का है और इसके बाद अब जमावट शुरू होगी। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो एक सप्ताह बाद जो 230 विधायक जिस प्रकार से जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो भी राजधानी भोपाल समेत अन्य विधानसभा यानी उनकी जो प्रभार की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आमद दर्ज कराएंगे। तो कुल मिलाकर जो सुर्ख लाल रंग होता जा रहा है चुनावों का, उसे लेकर अब कवायद जो है वो लगातार तेज होती हुई खासतौर से बीजेपी में नजर आ रही है। शिखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।